हो सकता है आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि रात तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपको नींद की दस्तक अपने दरवाजे पर सुनाई नहीं दी है। एडिसन से लेकर एलोन मस्क और शाहरुख खान तक बहुत से सक्सेसफुल लोग सोने को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, और इनका बस चले तो 24 घंटे जागना पसंद करें, लेकिन सोना तो हम सभी को होता है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों सोना हमारे लिए इतना जरूरी है? क्या कभी हम इतना इवॉल्व हो पाएंगे कि हमें सोने की जरूरत ही ना पड़े? और मान लीजिए कि आप अच्छे से अपने 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते हैं या सोते ही नहीं है, तो इसका आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले तो इसे जान लेते हैं कि हमने आज स्लीप या सोने के बारे में सोचना क्यों शुरू किया है। अगर आप एवोल्यूशन को पढ़ें तो आप जानेंगे कि जिन चीजों की जरूरत हमें नहीं थी, धीरे धीरे हमने उन्हें अपनी लाइफ से गायब कर दिया। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है पूंछ। हम भी तो एप्स और बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व होते रहे, हमें पूंछ की जरूरत पड़ना कम हो गई और अंत में हमारे शरीर से ही गायब हो गई। अगर आप नींद के बारे में सोचें तो नींद को भी अब तक गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन जब कोई जानवर सोता है तो उसे सबसे ज्यादा खतरा होता है क्योंकि उसे कभी भी अटैक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एवोल्यूशन ने नींद को गायब नहीं किया, यानी इसका कोई बहुत ही जरूरी कारण रहा होगा। क्या है ये जरूरी कारण? साइंटिस्ट ने पिछले 100 सालों में नींद के बारे में काफी कुछ नया डिस्कवर किया है। नींद का मकसद सिर्फ आपके शरीर को आराम देकर एनर्जी बचाने का नहीं होता, बल्कि जब आप सोते हैं तब भी आपकी बॉडी लगातार काम कर रही होती है और हर घंटे 35 से 50 कैलोरीज तक बर्न कर रही होती है। तो क्या होता है जब आप सोते हैं? जब आप सोते हैं तो आप पहले 5 से 10 मिनट के लिए एक नॉन रैम स्लीप में एंटर करते हैं, जिसमें आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, आपकी मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, आपकी हार्ट बीट से लेकर आपकी ब्रीथिंग और आईज मूवमेंट भी स्लो हो जाती है। धीरे धीरे जब आप 10 मिनट से आगे बढ़ते हैं तो आप आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में भूल जाते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। आपकी ब्रेन एक्टिविटी जो स्लो हो गई थी उसमें तेजी से एक स्पाइक आता है, यानी आपका दिमाग अब अंदर ही अंदर कुछ कर रहा है। ये वो स्टेट है जिसमें आपका दिमाग आपके डीएनए को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। इसके कुछ देर बाद आप डेल्टा स्लीप की स्टेज में एंटर करते हैं और यहाँ पर आपका शरीर आपके फिजिकल डैमेजेस को रिपेयर करने लगता है। ये डैमेजेस कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप जब जिम जाते हैं तो वहाँ पर आपकी मसल्स टूटती हैं, स्लीप की इस स्टेज में वो मसल रिपेयर होना शुरू कर देती है। धीरे धीरे स्टेज में आपका दिमाग दिन भर हुई घटनाओं को रिवाइंड करने लग जाता है और ये डिसाइड करता है कि किन चीज़ों को आपको याद करना है और किन चीज़ों को भूल जाना है। आपके सोने के करीब 90 मिनट बाद आप एक रैम स्लीप में एंटर कर जाते हैं, जहां और भी ज़्यादा फनी चीज़ें होने लगती हैं। आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, ब्रेन के कुछ हिस्से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपकी आँखें तेज़ी से मूव करने लगती हैं। इस स्टेज में आप अपने ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस को रिपेयर करते हैं। इस वक्त आपका दिमाग एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहा होता है और क्योंकि दिमाग में उथल पुथल मची होती है, इसीलिए आप स्टेट में सपने देखना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर आपके सपने इतने अजीब क्यों होते हैं, तो इसका एक कारण ब्रेन में हो रही एक्टिविटीज भी है। इस डीप स्टेट में आपकी बॉडी कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करती है, जो आपकी बोन और मसल ग्रोथ में मदद करती है। इस स्टेज में आपके इम्यून सिस्टम को भी और ज्यादा ताकत दी जाती है। आप इस साइकिल में देख सकते हैं कि आपकी बॉडी इसलिए सोना नहीं चाहती क्योंकि उसे कोई काम नहीं करना होता, बल्कि इसलिए सोती है क्योंकि उसे कुछ काम ऐसे करने होते हैं जो वो जाग कर नहीं कर सकती। बॉडी में हार्मोन्स के बैलेंस और उसकी ग्रोथ के लिए सोना बहुत जरूरी है, जिस वजह से जहां एडल्ट्स को 6 से 8 घंटे सोने के लिए कहा जाता है, तो वहीं टीनेजर्स जिनकी बॉडी में रोज नए चेंजेस आ रहे होते हैं, उन्हें 10 घंटे सोने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी ब्रेन को बॉडी को रीस्ट्रक्चर करने और हार्मोन्स बनाने और रिलीज करने के लिए ज्यादा वक्त मिले। जब आप जाग रहे होते हैं तो दिन भर आपके ब्रेन में बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को हार्म कर सकता है। लेकिन सोने पर ब्रेन खुद की क्लीनिंग भी शुरू कर देता है और वेस्ट रिमूव हो जाता है, इसीलिए अच्छी नींद लेने के बाद आप ज्यादा फ्रेश भी महसूस करते हैं। अब हमने ये तो देखा कि सोने से क्या होता है, लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के इस नए दौर में कोई भी अच्छे से नहीं सो रहा है। हमें देर रात तक जागने की आदत पड़ गई है
और अब देखते हैं कि अगर आप ना सोए तो क्या होगा। 1965 में रैंडी गार्डन नाम के हाई स्कूल स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि अगर वो ना सोए तो उसके साथ क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान रैंडी करीब 264 घंटे या कहें कि 11 दिन तक बिना सोए रहा, पर इससे ज्यादा उसकी बॉडी नहीं सह पाई। ना सोने से दूसरे दिन ही रैंडी ने नोटिस किया कि उसकी आंखों ने फोकस करना बंद कर दिया था और उसे चीजें धुंधली दिखाई देने लगी। इसके बाद धीरे धीरे वो अपने टच करने के सेंस को खोने लगा, यानी वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टच करके उनमें फर्क नहीं बता पाया। तीसरे दिन रैंडी के मूड में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन नोटिस किया गया। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता और छोटी छोटी चीजें उसे परेशान करने लगी। जब तक 11 दिन पूरे हुए तब तक रैंडी की मेमोरी भी बहुत वीक हो गई थी। वो जल्दी चीजें भूलने लगा और उसका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा और उसे ऐसी चीजें अपने सामने दिखने लगीं जो वहां कभी थी नहीं। सोने के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला रैंडी अकेला नहीं था। कुछ ही समय पहले हमारे सामने एक फुटबॉल फैन का भी केस आया था जो 48 घंटे तक लगातार जागा रहा ताकि वो अपनी फेवरेट टीम का मैच देख सके, लेकिन एक हार्ट स्ट्रोक के चलते उसकी मौत हो गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ना सोने की वजह से आपके हार्ट स्ट्रोक के चांसेस 4.5 गुना तक बढ़ जाते हैं। ना सोने से आपकी बॉडी आपके ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं भेज पाती, जिससे कि आप चीज़ों को टच करके फील करने की क्षमता खो देते हैं। ना सोने से हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और आपके दिमाग और शरीर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप सोते नहीं है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर होने लगता है, जिससे कि कई तरह की बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही शरीर में हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर हो जाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को इतना स्लो कर देता है कि आपके अंदर से किसी भी काम को करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। इसे आप लगभग एक जॉम्बी स्टेट भी कह सकते हैं। इसी जॉम्बी स्टेट से खुद को बचाने के लिए आपकी बॉडी आपको पहले ही सुला देती है। बहुत सी टॉर्चर टेक्निक्स में भी सब्जेक्ट्स को जानबूझकर कई दिनों तक जगा के रखा जाता है ताकि वो इस तरह अंदर से टूट जाएं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो उस इन्फॉर्मेशन को आपको आसानी से बता दें। तो अगर आपको भी इस तरह का जॉम्बी नहीं बनना है तो अच्छे से सोने की आदत डाल लीजिए। वैसे आपके सपनों को बहुत सी चीज़ें और भी इम्पैक्ट करती हैं जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया। क्या आप उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।